सावन का सोमवार भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा और उन्हें प्रसन्न करने के लिए खास माना जाता है। मान्यता के मुताबिक सावन सोमवार पर की गई शिवजी और माता पार्वती की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। बेटमा के थाना परिसर स्थित वटकेश्वर महादेव मंदिर, राजबाड़ा स्थित शिव मंदिर, बालाजी मंदिर, आवास कॉलोनी स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर व राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित कुबरेश्वर महादेव मंदिर सहित नगर के सभी शिवालयों में देर शाम तक भक्तों की भीड़ बनी रही, जहाँ भक्तों ने विधि विधान से शिवलिंग को जल अर्पित कर बेलपत्र, धतूरा, पुष्प सहित सभी सामग्री भेंट कर अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु पूजा की और पारंपरिक गीत गाए जाते हैं। सावन में झूला झूलने का विशेष महत्व है। कहा जाता है झूला झूलने से उमंग और जोश भर जाता है। सावन में सदियों से ही झूला झूलने की परंपरा चलती आ रही है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा को भी झूला झुलाया था, इसी के बाद से झूला झूलने की परंपरा शुरू हुई। ऐसे में सावन महीने में झूला झूलना शुभ माना जाता है। बेटमा में भी युवाओं, महिलाओं व बच्चों ने सावन के अंतिम सोमवार झूला झूलने का आनंद लेकर परंपरा का निर्वहन किया। बेटमा से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। मांगल बेटमा में कुबेश्वर धाम पर भगवान का चेहरा बनाया गया और चंदन से सुसज्जित किया गया और फूलों से भी सुसज्जित किया गया और सोमवार का सावन के आखिर सोमवार को पूरे श्रद्धालुओं ने पूरी भक्ति से श्रृंगार में अपना योगदान दिया। भक्तों की भीड़ सुबह से किस प्रकार की बनी हुई है यहाँ पे? सुबह से ही पूजा पाठ चल रहा है, बहुत लपक के चल रहा है। सुबह से ही पूजा पाठ चल रही है। अच्छा अच्छा। और अभी तक शाम को 8 बजे तक भी पूजा पाठ सतत चलती रहती है। 9 बजे तक के चलेगी अभी और पूजा। और बहुत चमत्कारी मूर्ति है अभी कुबेश्वर महादेव के। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।